Assalamualaikum, dear Marham users. My name is Asma Umar hai aur aaj hum Marham ki taraf se aapke liye Dr. Shahzad Mirza ko lekar aaye hain. Inka, we are very thankful to him. Thank you. Ke inhone hame join kiya hai aaj is session ke liye aur hum jo hai wo basic dental health ke bare mein baat karenge bachchon ki aur jo bhi agar aap usse related koi bhi question puchna chahte hain to please feel free to post in the comments. तो सबसे पहले डॉक्टर शहजाद मिर्ज़ा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद मिर्ज़ा है। जैसे उस्मान ने बताया कि आई एम अ डेंटिस्ट, सो मेरा आने का मकसद मरहम के साथ यही था कि गिव यू अवेयरनेस। हमारे मुल्क में बहुत कम अवेयरनेस है, स्पेशली हमारे मुँह के हिसाब से। तो मैंने अपना BDS डीमॉन मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से किया। फिर मेरे फादर जो है वो इस प्रोफेशन में तकरीबन 45 ईयर्स से हैं। वो डीन भी थे और टीचर भी हैं और काफ़ी देर से डेंटल प्रोफेशन में हैं। तो उन्होंने बहुत काम किया है इस प्रोफेशन में। प्रोफेसर याकूब बेग मिर्ज़ा उनका नाम है। और मैं BDS के बाद मैंने अपनी मास्टर्स की है, और मास्टर्स जो मेरी है वो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेंटिस्ट्री विच इज़ इवॉल्विंग नाउ। और इसका मतलब ये है कि जो खुदा ने हमें चीज़ें या नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, अगर हम खुदा ना खास्ता उस चीज़ को लूज कर दें तो उसको वापस लाना या मिमिक करना, उसका नाम है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। सो मेरा स्पेशलाइजेशन फील्ड जो है वो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री है। इसके अलावा आई प्रैक्टिस इन डिफेंस, मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है। लेकिन आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क विद मरहम, गिव योर व्यूअर्स ऑल दैट आई कैन ओवर द नेट डिजिटली, सो दे यू नो द मिनिमम आई कैन डू इज टू हेल्प देम आउट विद देयर डेंटल ओरल हाइजीन एवरीडे प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद। अब हम अपने लाइव सेशन को जो है वो बेसिकली कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमने जो है कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें हमने था कि आप अपने क्वेश्चंस हमें दें जो हम डॉक्टर साहब से इस सेशन के दौरान पूछेंगे। तो अभी जो जो क्वेश्चन हमें रिसीव हुए हैं हम उनके आंसर्स देंगे, और दे आर वेरी गुड क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हर किसी को असिस्ट करेंगे उनकी डेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि हमें अपने जो दांतों की सफाई है उसके लिए कौन सी रूटीन फॉलो करनी चाहिए, मतलब कौन से ऐसे काम है जो हमें सुबह उठते ही करने चाहिए और रात को सोते हुए करने चाहिए, या मतलब कौन सी एक रूटीन है जो हमें अपनी डेंटल हेल्थ के लिए फॉलो करनी चाहिए। ठीक है जी, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या अपने मुँह को सफाई रखने के लिए वो है ब्रशिंग। ब्रशिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अगर अच्छी तरह करेंगे, सुबह शाम दो दफ़ा करेंगे, तो आप समझ लें कि 70-80% आपकी ओरल हाइजीन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी ओरल में, वो है उनमें से नंबर वन है टूथब्रशिंग। टूथब्रशिंग में आपने सबसे पहले ये देखना है कि रात को सोने से पहले आखिरी काम आपका टूथब्रशिंग होना चाहिए। उसके बाद आपने कोई ना खाना लेना है, पानी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपके फूड की बात कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ। सो सोने से पहले आपने आखिरी चीज़ टूथब्रश करना है। सुबह उठ के हो सकता है कि आप पहली चीज़ टूथब्रश कर लें, हो सकता है कि आप नाश्ते के बाद कर लें, इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। सो लास्ट थिंग बिफोर यू गो टू बेड एंड वंस इन अदर टाइम ऑफ द डे लाइक इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट और बिफोर ब्रेकफास्ट, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो आप दो दफ़ा ब्रश करें, इससे क्या होगा, एक तो आपके मुंह में जो बू आती है वो नहीं आएगी, दूसरा आपके मुंह में जो डिके लगता है, कीड़ा लगता है, वो नहीं लगेगा, तीसरा ये है कि जो आपका गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, वो हेल्दी रहेंगे। जो हमारे मुंह के अंदर सबसे पहली चीज़ जब आप ब्रश या आप खाना खाते हैं उसके बाद प्लाक होती है एक चीज़, वो आपके ऊपर वो उसको कहते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म आपके दांतों के ऊपर जो कि एक पीले रंग की चीज़ आ जाती है, अगर आप उस चीज़ को नहीं साफ करेंगे तो वो एक जिसको कहते हैं कड़ेरा बन जाएगा। कड़ेरा उतारने के लिए आप ना ब्रश से उतार सकते हैं, आपको डेंटल का विजिट करना पड़ेगा। अगर आप खुद ब्रशिंग कर रहे हैं सुबह और शाम तो वो बायोफिल्म आप उसको रिमूव कर लेंगे और आपके दांत हेल्दी रहेंगे, ना डिके लगेगा ना मसूड़ों का इशू होगा। वेरी नाइस, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल में बताया। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको अपने जो एक बच्चा है उसको सबसे पहले किस लेवल के ऊपर डेंटल चेकअप के लिए लेकर जाना चाहिए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है स्पेशली जो मदर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। मदर्स को अवेयरनेस नहीं होती है, स्पेशली मदर्स प्रेग्नेंट औरतों को भी ये चीज़ का पता होना चाहिए। मैं सॉरी क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो खवातीन प्रेगनेंसी के दौरान समझती हैं कि डेंटल विजिट नहीं है वो गलत है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपका विजिट डेंटिस्ट को मस्ट है ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत माना जाता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, आपकी हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस आ रही हैं, आप डेंटल विजिट इमरजेंसी डेंटल विजिट तो होता ही है, लेकिन आपकी जनरल ओरल हेल्थ को मेंटेन रखना ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इज अ मस्ट। अदरवाइज होता क्या है कि मदर्स मोस्टली
जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे के बाद देयर ओरल हेल्थ गेट्स वर्स, उनमें उनका जो हार्मोनल चेंजेस सही होती है, उनको मसूड़ों की बीमारी हो जाती है. और आपने बहुत देखा है, हमने भी देखा है कि बच्चों के बाद माओं के दांत गिरने लग जाते हैं. उसकी यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनकी वजह से उनकी ओरल हाइजीन डिटेरिएट कर देती है और उनको नहीं पता लगता कि ये किस लिए हुआ. सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, वो ये है कि बच्चों को जब जैसे पहली दफ़ा उनका दांत मुँह में आए, आपने उनके डेंटल विजिट करना है. और पहला दांत आने का मकसद ये है कि आपने उसको ब्रश लेके उसको ब्रश करना है. ब्रशिंग पहले दांत पे आपने करनी है. ये नहीं कि आप वेट करें पूरे दांत आ जाएं या दूध के दांत गिर जाएं फिर पक्के दांत आए तो फिर हम ब्रश करें. नहीं, आपको पहले दांत पे पहली दफ़ा जब वो आपका दांत बच्चे का आपको नजर आया आपने उसको ब्रश करना है. बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा, और जो अगला सवाल है हमारे पास वो ये है कि जो बच्चे की जो बेबी टीथ होते हैं उनकी उनकी टेक केयर के लिए कोई स्पेशल चीज होती है या उनको भी इसी तरह जैसे आपने बताया कि ब्रशिंग करें और उनका ख्याल रखें? ब्रशिंग ही करनी है आपने. ब्रशिंग आपको बहुत छोटे सॉफ्ट ब्रशेस मिल जाते हैं, हर जगह से मिल जाएंगे, ब्रशिंग का कोई मसला. दूसरा ये है कि जो बच्चों को टूथपेस्ट करनी है, अंडर थ्री, जो तीन साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए जो ब्रशिंग है उसमें आपने जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल एक बहुत माइनर, और उसमें आप समझ लें जिसको मैं कह रहा हूँ समेयर लेयर. समेयर लेयर में अब मुझे उर्दू में इसका ऐसा कोई मतलब तो नहीं, लेकिन समेयर लेयर का मतलब बिल्कुल एक माइनर छोटी सी मिकदार बच्चे के लिए, जो अंडर थ्री है, तीन साल से नीचे के बच्चे जिनको आप ब्रश कर रही हैं उसको छोटी मिकदार में टूथपेस्ट, बहुत भरना नहीं है. बहुत से पेरेंट्स मैंने देखा है वो टूथपेस्ट को पूरा भर देते हैं, उनको ये होता है कि ज्यादा होगी तो इसको फायदा होगा. बिल्कुल ऐसा नहीं है. समेयर लेयर बहुत कम, माइनर सी लेयर लगा के आपने उस तीन साल के बच्चे के से नीचे जितने हैं उनको करना है. जो तीन साल से ऊपर है उनके लिए आप पी साइज, यानी आप समझ लीजिए जो पी का होता है मटर का दाना है, उतनी आपने टूथपेस्ट लगा के करना है. और ब्रशिंग जो है वो ट्वाइस, चाहे वो एक साल का है या डेढ़ साल का है या दो साल का, दो दफा आप उसकी ब्रशिंग करें. क्योंकि देखें आप कुछ हमारे मुल्क में बहुत से पेरेंट्स मदर्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, ठीक है, इसकी वजह से वो फार्मूला मिल्क्स पे है तो उसमें कई दफ़ा एडेड शुगर भी होती है. तो और बच्चा आपका शुगर की प्रोडक्ट्स भी ले रहा है, जिस तरह यहाँ पे तो बहुत शुगर का इस्तेमाल है. हाँ, बच्चों के मतलब तो अब जब बच्चे इतने सारे ये टॉफियाँ चॉकलेट्स ये मीठी चीज़ें खा रहे थे तो वो फिर उनके दांत अक्सर ज़्यादा खराब हो जाते, ज़्यादा खराब इसीलिए होते हैं क्योंकि. और मैं एक और एडवाइस है मदर्स को, फीडिंग मदर्स को स्पेशली जो फार्मूला मिल्क दे रही हैं बॉटल की अंदर दे रही हैं, प्लीज़ रात को सोने से पहले उनको कोई शुगर एडेड फीडिंग बॉटल्स मत दें. इसको हम एक टर्म है हमारी डेंटिस्ट्री में, उसको कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, ठीक है. जो बच्चे जिनके दांत काले स्याह हो जाते हैं और लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, वो यही वजह है कि उन पर रात को फीडिंग बॉटल लेके उसमें शुगर होती है और वो सो जाते हैं. तो ये बिल्कुल नहीं करना, रात को बच्चे को दूध विद शुगर नहीं देना इन अ बॉटल, ठीक है. अच्छा, और इसके अलावा ये है कि अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि अगर मेरे बच्चे के दांत में दर्द हो रहा है, वो बड़ी देर से हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए इमीडिएटली और डॉक्टर के पास ये सारे प्रोसेस में क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है दांत में दर्द क्यों हो रहा है. अगर आप अपने बच्चे के दांत में दर्द है उसमें आपको सबसे पहले तो आपको देखिए कि क्या हुआ है. अगर आपको नजर आता है कोई डार्क ब्लैक सी कोई चीज़ है जिसमें लग रहा है कि दांत को खाया गया है तो इसका मतलब है उसको डेंटल डिके है. अगर तो उसको स्वेलिंग नहीं हुई और उसको सोजन नहीं है, सिर्फ दर्द है और दर्द इतनी है कि बर्दाश्त हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है. अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे और उसको पेन किलर दे देंगे या दर्द की दवाई दे देंगे और वेट करेंगे, विश करेंगे कि दोबारा नहीं होगी, तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि झूठ है. ये वापस आएगा और बहुत बुरी तरह वापस आएगा. सो आपका डेंटल, अगर आप इस टाइम पे डेंटिस्ट पे ले जाएंगे तो मे बी वो दांत बच जाए, मगर अगर सोजन हो गई है, दांत काफ़ी ख़राब हो गया है और फिर डेंटिस्ट पे गए हैं तो मे बी वो दांत भी निकालना पड़े. और दूसरा ये है कि बच्चे को वो पेन प्रोसेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बच्चों का बहुत फेयर होता है डेंटिस्ट से. तो आपको डेंटिस्ट पे ले जाएंगी तो उनका फेयर भी ख़त्म होगा, उनका डर भी ख़त्म होगा, वो अपने इन्वायरमेंट से भी थोड़ा, उनको डेंटल इन्वायरमेंट से भी नोहा होएगी, अपने माँ बाप को देखेंगे डेंटिस्ट पे जा रहे हैं. और हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स मदर एंड फादर वन ऑफ देम असिस्ट करें अपने बच्चे को 7 साल की उम्र तक खुद ब्रशिंग, उनके वो सर के ऊपर खड़े होकर एक पेरेंट 7 साल की उम्र तक असिस्ट करें. इससे ये होगा कि बच्चा एक ऐसी हैबिट में आ जाएगा कि वो सारी जिंदगी
ये इस चीज को नहीं भूलेगा और वो अपने आगे चलते परमानेंट हैबिट बन जाएगी, क्योंकि ये एक आप समझ लीजिए ये दिस इज समथिंग यू हैव टू टीच देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, दिस इज गोइंग टू स्टे विद देम, और इससे हमारे मुल्क का भी फायदा होगा। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर है ही यही, अगर आप एक चीज को पहले रोक लेंगे तो आपको वो डिजीज हो ही नहीं। और जो डेंटल हेल्थ है उसका हमारी जो बाकी मतलब जो बीमारियां हैं उसके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन, देखिए बहुत ज्यादा एसोसिएशन। देखिए हमारा मुंह जो है गेट वे, हमने जो कुछ खाना है हमने मुंह से खाना, सबसे बड़ी चीज जो अगर आपके दांत ही तो आप खाएंगे क्या, ये बच्चों में भी यही है, बच्चों का ये नहीं है, बच्चे पेरेंट्स आते हैं ये तो दूध के दांत है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि दूध के दांत जो है वो अल्लाह ताला ने एक चीज दी है, उसका कोई मकसद है, एवरीथिंग हैज अ यू नो रीजन बिहाइंड इट। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके दूध के दांत आपको वो स्पेस मेंटेन करें जब तक कि आपके परमानेंट दांत नहीं आएंगे। तो आपने अपने मुंह का दांतों का ख्याल रखना है, और जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां जिस तरह अब मैं आपको बताऊं हार्ट डिजीजेस, पेरिडोंटल डिजीज की वजह से कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हार्ट में जा सकते हैं, शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका तो साइलेंट आप समझ लें एक चीज है जो बैठी है छुपके बैठी है, तो ये जो शुगर के मरीज हैं उनकी ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत से फिजिशियंस और लोग रिकमेंड करते हैं कि डेंटल विजिट होना चाहिए, मैं उनको ये बताता हूँ कि अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है तो आपके डायबिटीज में भी आपको इफेक्ट होगा, बहुत फर्क पड़ेगा, आपको बेहतर होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि जो दांत बच्चों के लिए ना कौन सी डाइट जो है वो ज़्यादा सेफ होती है फॉर देयर डेंटल हेल्थ, कि उनकी मतलब क्या चीज़ उनको लेनी चाहिए तो वो उनकी जो ये जो डेंट जो उनके दांत हैं वो मजबूत होंगे और ये उनको उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, उसमें ये देखो उसमें बात यह है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ जो है ना उनको बताएं कि हेल्दी फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। देखिए फ्रूट्स जो अगर आप दांतों से रिलेटेड बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि हेल्दी फ्रूट्स में आप उनको ऐसी चीज़ें दें जिसके अंदर कैल्शियम हो, उस जिस वेजिटेबल्स दें जिसमें कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, ताकि जो उनकी हेल्दी टीथ हैं वो और अच्छी तरह जो है ना। कौन सी वेजिटेबल्स? देखिए स्पिनिच हो गई, स्पिनिच हो गई, ब्रोकली हो गई, इस तरह की चीज़ें दें ताकि उनके, अब केले में ज़्यादा शुगर होती है, सो इफ़ यू आर थिंकिंग मैं केला दे दूँ और एक्सपेक्ट करूँ शुगर बहुत ज़्यादा है, लैक्टोज, अच्छा हर चीज जिसके एंड में ओज आ रहा है ना, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं शुगर या हाई शुगर एंड में, या जिस तरह आप फ्रेंच फ्राइज को आप कह रहे हैं या पोटैटो चिप्स कह रहे हैं, इसके अंदर इतना हाई कंटेंट है शुगर कार्बोहाइड्रेट का, सो दे आर नॉट गुड फॉर योर टीथ। वो अगर मैं और रिगार्ड्स टू चॉकलेट्स एज वेल, आई एम नॉट अगेंस्ट, माई हैव किड्स, चॉकलेट्स बच्चे खाते हैं एंड यू कैन नॉट स्टॉप दैट, बट यू कैन लिमिट देयर इनटेक, लाइक अगर आप देखें अगर आपने बच्चे को चॉकलेट भी देनी है तो आप उसको मील टाइम पे दें। अच्छा, बॉडी का एक बफर सिस्टम है, ठीक है, आपके स्लाइवा का एक बफरिंग सिस्टम है, जो आप खाते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करती है, यानी आपका स्लाइवा जो है आपके जो भी आप इनटेक कर रहे हैं उसके एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर रही है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सुबह से लेकर रात तक आप उसको मीठा दे रहे हैं तो बॉडी तो गिव अप कर देगी ना, स्लाइवा कहेगा भाई मेरा काम नहीं है, तो आप यू आर एक्चुअली गिविंग पिकनिक टू योर जर्म्स व्हेन यू आर गिविंग सो मच शुगर टू योर चिल्ड्रन कि वो आपके दांत को खा जाए। नहीं ना, आप ये सोचते हैं ये दर्द क्यों हुई है, तो दर्द इसलिए हुई है भाई कि आपने उसको न्यूट्रलाइज नहीं होने दिया। सो माय एडवाइस टू ऑल द मदर्स, पेरेंट्स हु आर एक्चुअली थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म इज टू, इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड हु डज नॉट, अगर आपको दर्द पेन वगैरह दांतों के नहीं होने का उससे डर लगता है, तो उनको जो चीज भी दें उसको एक हिसाब से दें, प्लीज उसको एक लेवल तक दें, मतलब ये है कि हर वक्त अब्यूज होता है, शुगर का इनटेक has to be at a certain time of your meal. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और तो ये बताएं कि तो बच्चों के लिए फ्लोराइड की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी मतलब जो डेंटल स्ट्रेंथ के लिए व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोराइड, और उसकी कैसे पता लगता है कि यार हमारे चिल्ड्रन इज गेटिंग इनफ फ्लोराइड? अच्छा फ्लोराइड का ये देखें दूसरे मुझे तो पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन कुछ पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जिसमें एक्सेस है फ्लोराइड की, वो पानी के अंदर फ्लोराइड है बहुत ज़्यादा, उसमें फ्लोराइड का कलर वाइट फ्लेक्स शो होने लग जाते हैं। हमारे आई डोंट थिंक हमारे नेचुरल जो पाकिस्तान के पानी है उनमें फ्लोरिडेशन का कोई कॉन्सेप्ट है, दूसरे मुल्कों में तो है। अगर फ्लोराइड पानी में नहीं है आपके इलाके में, अगर आपको नहीं पता कि पानी में फ्लोराइड है या नहीं है, तो देयर टूथपेस्ट अवेलेबल जिनके अंदर फ्लोराइड, हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होती है। लेकिन लेट्स से जो आपका बच्चा फ्रॉम 6 months to 3 years की फ्लोराइड जो है ना, जो आपको बच्चे को इनटेक होनी चाहिए, वो तकरीबन आपके फ्लोराइड टूथपेस्ट में तकरीबन 800 to 1000 पर पार्ट मिलियन फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मोस्टली टूथपेस्ट के अंदर इससे ज़्यादा फ्लोराइड नहीं है,
एक दो टूथपेस्ट हैं जिनका अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सी हैं जिसके अंदर फ्लोराइड लेवल ज़्यादा है। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसकी 6 महीने से 3 साल की उम्र है तो उसमें आप 600 to 800 डिपेंडिंग ऑन द बच्चे की क्या कंडीशन है 600 to 1000 तक 800 तक आप पर पार्ट मिलियन फ्लोराइड पेस्ट में होना चाहिए। अगर आप पेस्ट को उल्टा करके देखें उसके कंटेंट्स के अंदर उसकी मिकदार लिखी होती है, पीछे जो कंटेंट्स होते हैं ना कि उसमें फ्लोराइड कितना है हर टूथपेस्ट के वो लिखा होता है। तो आप 600 to 800 मैक्सिमम 1000 फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 6 महीने का बच्चा जो है उसको आई वुड से नॉट मोर देन 800 ppm पर मिलियन जो है ना वो फ्लोराइड होना चाहिए। सो 3 साल से अबव के जो बच्चे हैं उनकी पेस्ट के अंदर कम अज कम 1000 पर पार्ट मिलियन फ्लोराइड होनी चाहिए। फ्लोराइड करता क्या है, फ्लोराइड एक आप समझ लीजिए मेरे हाथ में इस तरह इंटरलिंक्स बना देता है, तो जो डिके है ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है इसके अंदर पेनिट्रेट करना। सो आप ये समझ लें कि जिस तरह आप एक किसी को दरवाजा लगा दें और उसको कहें भाई दरवाजे के थ्रू आओगे तो अंदर जाओगे, सो वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग देयर टीथ बाय इंटीग्रेटिंग फ्लोराइड इन देयर एनामल, सो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सो और एक दूसरा भी है प्रोसेस इट इज कॉल्ड रीमिनरलाइजेशन। जिस तरह अगर बच्चे के मुंह में कोई आप ज्यादा कोई एसिड की चीजें वो खाता रहे तो वो उससे डीमिनरलाइजेशन होती है। फ्लोराइड क्या करता है वो रीमिनरलाइज करता है उस चीज को ताकि जो बॉन्ड है वो दोबारा बांध दे, ताकि ये फ्लोराइड का जो एडल्ट्स की डोज है वो 1450 मिनिमम। एनीबॉडी हु इज अबव आप समझ लें कि 6+ जो है ना उसको 1450 पर पार्ट मिलियन फ्लोराइड उनके टूथपेस्ट में होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ टूथपेस्ट की, पानी की ऑब्वियसली वी डोंट नो कि यहाँ पे होता है नहीं होता, लेकिन जो टूथपेस्ट में आपका मिनिमम जो है ना 1450 पर पार्ट मिलियन। 2 टूथपेस्ट हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो दे रही है मेरे ख्याल एक कॉलगेट प्रो सेंसिटिव प्रो रिलीफ है जो कि जिसमें 1450 पर पार्ट मिलियन है, और एक है उनकी सेंसोडाइन की रैपिड एक्शन, तो वो टूथपेस्ट है। अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू है तो ट्राई यूजिंग दैट टूथपेस्ट, और अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी प्लीज डू विजिट अ डेंटिस्ट कि उसको कोर क्या वजह क्या है वो पता लग जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो सर ये बताइएगा कि जब आप एक बार ब्रश कर रहे होते हैं तो कितने मिनट तक कहते हैं कि आपको ये ब्रशिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, इसमें कुछ होता है? हाँ डेफिनेटली, देखिए ब्रशिंग में हम सबसे ब्रशिंग को हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है। हम ब्रश कर रहे होते हैं सोच कुछ और है, ठीक है, वी नॉट कॉन्सेंट्रेट। सो और मैं आई मीन आई वांट टू शेयर दिस विद यू अस्मा बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल ब्रशिंग स्पेशली व्हेन मैं जिम जाऊँ उफ मेरा दिल चाहता है कि हाथ पकड़ लूँ, इट्स सो बैड। इट्स लाइक यू नो एक्चुअली नॉट ब्रशिंग यू स्क्रबिंग, आप दांतों को वो समझ रहे जितना ज्यादा वो जिस तरह वॉशिंग पाउडर बन जाएगा ना उतना ज्यादा अच्छा है, बट दैट इज नॉट राइट। ब्रशिंग का एक तरीका है, ब्रशिंग हैज टू बी जेंटल, इट हैज टू बी इट्स ब्रशिंग नॉट स्क्रबिंग। दांत है कोई मेटल ये नहीं बने, ठीक है, वो तो कोशिश करें प्लीज मेक श्योर कि ब्रशिंग इज नॉट स्क्रबिंग। और ब्रशिंग में ये है कि आप उसको सॉफ्ट ब्रश लें, और इवन स्मोकर्स प्लीज, स्मोकर्स जो है ना वो आते हैं विद हार्ड ब्रश लाइक मेटल ब्रशेज जस्ट वॉन्ट यू नो गेट द स्टेन्स अवे, वो नहीं हो सकता। ब्रशिंग आपका एक सॉफ्ट है, इंटरनेट डिजिटल मीडिया का टाइम है, मैं आपको एक बता देता हूँ जिसका मोस्ट एक्सेप्टेबल वे ऑफ ब्रशिंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड बैच टेक्निक, ठीक है, मॉडिफाइड बैच टेक्निक, वील पुट इट ऑन अस्मा टू पुट इट ऑन क्या कहते हैं मरहम इज वेल टू सी के वो तरीका क्या है, मे बी वी कैन शो यूर वीडियो इज वेल हाउ डू यू डू इट। बट जो ब्रशिंग है ना वो आराम से करनी है, बट जो आपका क्वेश्चन था अबाउट 2 मिनट्स दैट्स प्रॉब्ली अ रियलिटी, अदरवाइज इफ आई से 3 मिनट्स पीपल से हम सो जाएंगे, ठीक है तो प्लीज 2 या 3 मिनट दैट शुड बी एनफ। अच्छा और इसके अलावा अगर हम अब थोड़ी से बात करेंगे कि बच्चों में किस किस्म की जो है वो ज़्यादा जो है वो ओरल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे मैंने बच्चे देखे उनके दांत बिल्कुल जिस नीचे से ख़त्म हो जाते हैं या जो है वो, और तो फिर वो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उन्हें क्या प्रॉम्प्ट मेजर्स लेने चाहिए और किन चीज़ों का बड़ा मतलब कि ये बीमारियाँ हो रही हैं कॉमन है इनके लिए फिर कोई इफेक्ट करना चाहिए? बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन जो मैंने बात की थी वो है डिके की, डेंटल डिके। डेंटल डिके क्या है, डेंटल डिके होता ये है कि जब आप एक चीज मीठी खा रहे जो शुगर है वो आपके दांतों पे स्टिक करता है, ठीक है, जब शुगर को ब्रेक डाउन करता है जर्म्स यानी जरासीम उसको तोड़ता है और उसको एक एसिड में कन्वर्ट करता है, एसिड जो है वो आपके दांतों पे एक्ट करता है, जब एसिड आपके दांतों पे एक्ट करता है तो वो आपका दांत खाया जाता है, उसको हम कहते हैं डेंटल डिके, ठीक है। उस डेंटल डिके को आप जो मॉडर्न साइंस है जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है जिसको हम मिनिमल इंटरवेंशन डेंटिस्ट्री कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है इट्स कॉल्ड MID, उसमें ये करते हैं कि हम दांत को पूरा नहीं काटते, हम सिर्फ उसके सबस्ट्रेट यानी उसके खाने को बंद कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपका खाना इस कमरे में बैठे हुए मेरा खाना बंद करते तो मैं आई डाय, ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली किलिंग दैट सबस्ट्रेट कि उसका खाना बंद कर दें जर्म का खाना।
तो हम उसको सील कर देते हैं। ठीक है, इतने मटेरियल्स अच्छे आ गए हैं हमारे पास कि हम उसको उसको सील कर देते हैं, जर्म का खाना बंद हो जाता है एंड द दांत रिमेंस वो बच जाता है, और बच्चे के लिए भी वो खान खा भी सकता है और फॉर हिज लेटर लाइफ के वो जो उसके परमानेंट टीथ हैं वो भी इफेक्ट नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब अगर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन मैं इस सेशन में पूछूंगी वो ये कि अगर आज से अगर कोई एक कौन सी कोई तीन हैबिट्स हैं जो हम सबको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए फॉर बेटर ओरल हेल्थ एंड डेंटल हेल्थ, तो कौन से तीन काम है जो हम कहेंगे हमें जरूर करने चाहिए? सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और तीसरा मेकअप विजिट टू डेंटिस्ट। ओके, और ये कितनी फ्रीक्वेंटली विजिट होना चाहिए? अगर बता 6 मंथ्स, देखिए इस पे बहुत बहस होती है लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो जमाना आ गया उसमें एटलीस्ट वंस अ ईयर। अगर आप वो कर लेंगे तो आपका जो अगला हिस्सा है वो शायद बच जाए। और फ्लोराइड की इंटेक का भी ख्याल रखें। फ्लोराइड की इंटेक आपकी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, और आप लोग इतने डिजिटली अवेयर हैं, आप और जब बाय करें जाके उसके कॉन्टेंट देखिए, मैंने जो एजेस बताई है वो भी मैं आई शेयर विद यू कि बच्चे कौन सी एज में क्या टूथपेस्ट का फ्लोराइड होना चाहिए। I will want to share that because there's so many mothers out there who cannot probably afford it, so they can actually do it at home. Mera 99% aapka masla ghar pe hal ho jayega. But agar nahi ho raha, ek cheez hai ki agar bacche ko swelling hai aur daant mein dard hai, make a visit because that could be a dangerous, that could be a life threatening as well. ठीक है, खुदा ना खास्ता infection जो है ना वो हमारे जो jaws है उससे हमारे सांस की तरफ आता है। तो प्लीज इफ योर केयर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट उसको प्लीज डेंटिस्ट को दिखाएं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी। अब आप लोग जो हमारे साथ रابطے में रहिएगा ओवर दिस पेज, डॉक्टर साहब ने जो जो चीजें बताई हैं कि हमें जो ब्रशिंग की टेक्निक है या जिस तरह ये फ्लोराइड की चीज है, तो ये हम इसी पेज के ऊपर जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग, और अभी हम आप लोगों के जो सवाल है जो आप लोगों ने पूछे होंगे, वी विल गेट द आंसर्स इन कॉमेंट्स, or so you will get the answer. Okay, thank you everybody. Thank you.